की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऐप इजंट रिस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हम अपने मोबाइल फोन का कोई सा भी ऐप यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ऐप इजंट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको नीचे की साइड में एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन टैप करना है। यहां पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करेंगे तो आपका नीचे कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम यह करना है, आपके मोबाइल फोन का कोई सा भी ऐप उंगली से आप दबा के रखिए तो आपका ना ये छोटा सा पेज ओपन होता है। इस छोटे पेज में देखिए ऐप इन्फो लिखा हुआ है, ऐप इन्फो पे टैप करना है तो आपका ना ये ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहां पर आपको ये क्लियर कैच का जो ऑप्शन है, क्लियर कैच पे टैप करना है, सिर्फ क्लियर कैच पे, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सभी एप्स का भी क्लियर कैच, सिर्फ क्लियर कैच करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग मिलाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में जो ऐप इजंट रिस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सभी डेटा का अपना बैकअप ले लीजिए अपने फोन का, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।